हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एलिवेशन लाइट होता है, आउटडोर वाले एलिवेशन लाइट, उसे किस तरह से लगाया जाता है, ये आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसकी प्राइस, इसका सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में। पूरे स्क्रू किस तरह से लगाते हैं, ड्रिल किस तरह से करते हैं, वायर किस तरह से लगाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है यहाँ पर एलिवेशन लाइट का। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वाट का लाइट है, 4-वे का एलिवेशन लाइट, आउटडोर का वाटरप्रूफ लाइट है। तो हम यहाँ पर लगाने वाला है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वायर ऑलरेडी छोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको जानना चाहते हैं कि आप एलिवेशन लाइट के लिए, आउटडोर के लिए वायर किस तरह से डालते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में करोगे, मुझे बता कमेंट में पूछोगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि उसके लिए लाइट के वायर किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो आप देख सकते हैं, हमारे पास में एलिवेशन लाइट है 4-वे का, तो इसे किस तरह से ओपन किया जाता है। जनरली आप देखते होंगे, जब जो भी आप आउटडोर वाले लाइट लेके आते हैं, यानी कि वाटरप्रूफ वाले जो लाइट रहते हैं, आउटडोर के लाइट, उस पर एलियन के वाले स्क्रू रहते हैं, ठीक है। तो एलियन के वाले स्क्रू रहते हैं उस पर, ताकि कोई चोर इसको लेकर ना चले जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको आज की स्क्रू में बताऊँगा कि इसे किस तरह से लगाया जाता है। तो इसलिए होता है एलियन के स्क्रू की, क्यों कोई इसको चुरा के ना लेकर चला जाए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इस जो बैक प्लेट है उसमें से वायर निकाल चुका हूँ। तो बैक प्लेट पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक प्लेट पे एक वाइट कलर का रबर लगा हुआ है, जो कि है इसका वाटरप्रूफ, ठीक है। वाटरप्रूफ लाइट है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से पूरा असेंबल किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में जो 4-वे का लाइट है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर चोक भी लगा हुआ है। तो वो चोक को भी उन्होंने क्या किया कि जो स्लीव आती है वाटरप्रूफ स्लीव, उससे से उसको कवर कर दिया, ताकि अगर इस पर पानी भी चला जाए तो ये ख़राब ना हो। तो हम अभी क्या करेंगे, जो हमारी बैक प्लेट होती है उसको हम दीवार पर जो वायर है, वायर से ब्लैक प्लेट पर वायर निकाल लेंगे, बैक प्लेट पर वायर निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किस तरह से वायर निकाला हुआ है। और फिर उसके क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, वहाँ पर जितने भी होल होंगे उसके हिसाब से मार्किंग कर देंगे, और वहाँ पर ड्रिल कर देंगे उसी के हिसाब से। हमें यहाँ पर आप यहाँ पर 5 mm का भी ड्रिल कर सकते हैं, 6 mm का भी ड्रिल कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके पास कॉन्क्रीट बीट होगी या फिर ड्रिल बीट होगी, आप उस हिसाब से यहाँ पर इसको ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूरी बात ये ध्यान देना है कि जो भी आप ड्रिल इस्तेमाल करोगे, इस पर आपको कॉन्क्रीट बीट का ही इस्तेमाल करना। आपको सादी दीवार पर, यानी कि आपकी जो ड्रिल होगी, सादी वाली ड्रिल यहाँ पे काम नहीं आएंगी, यानी कि जो सिंपल ड्रिल होती है वो इस पर काम नहीं आते। तो आपको यहाँ पर कॉन्क्रीट ड्रिल का ही इस्तेमाल करना होगा। तो अभी हमारे यहाँ पर ड्रिल हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो PVC गिट्टी आती है, जिसको हम गुज्जे भी कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो चाहो तो आप यहाँ पर वुडन के गुज्जे भी लगा सकते हो, लकड़ी वाले गुज्जे जो आते हैं नॉर्मली बाज़ार में मिलते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो अभी उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पर स्क्रू यहाँ पर कस देंगे। 2 होल होंगे तो 2 स्क्रू कस दीजिए यहाँ पर, अगर 3 होंगे तो 3 लगा दीजिए, 4 होंगे तो 4 लगा दीजिए, जितने भी स्क्रू होंगे आप उसको लगा दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वायर छील के आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जनरली कोई भी वाटरप्रूफ जो लाइट आता है आउटडोर यूनिट के लिए, आउटडोर के लिए जो लाइट आता है, उस पर 3 वायर रहते हैं। एक दो वायर उसके पावर के लिए होता है, और जो तीसरा वायर होता है वो वायर यहाँ पर अर्थिंग देने के लिए होता है। सपोज़ आप मान लीजिए कि कहीं आपके लाइट पर करंट आ गया, आउट पानी की वजह से करंट आ जाता है, जनरली तो दीवार पर करंट फैल जाता है, तो यहाँ पर अर्थिंग का भी एक वायर दिया हुआ रहता है। चाहो तो आप यहाँ पे अर्थिंग लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अर्थिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो वाल पर जो पॉइंट छोड़ के रखा था, उसको हमने वहाँ पर वाल पर 1 mm का वायर छोड़ के रखा था, जो कि होता है हमारा 2 कोर का 1 mm का वायर, यानी कि एक ही वायर में 2 वायर होते हैं 1 mm का। आप यहाँ पे 0.75 mm का भी वायर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, 1.5 mm का भी आप लगा सकते हो, आपको जिस तरह के वायर डालना है आप वहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सफिशियंट 1 mm का वायर है सफिशियंट यहाँ पर इस लाइट के लिए, तो आप यहाँ पर 1 mm का वायर यहाँ पर लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वो भी वायर छील के रख दिया, जो कि दीवार पर हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ था। अभी जो एलिवेशन लाइट के साथ में जो वायर आया, उसको हमें उतनी ज़्यादा वायर की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया कि पूरा जितना भी वायर था हमने वहाँ से वायर को काट दिया है। हमें 3-4 इंची के वायर की ज़रूरत थी, तो हमने 3-4 इंची का वायर यहाँ पर रख दिया है, 3-4 इंची का वायर रख दिया। जितना वायर यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर रखना चाहिए, आप उतना ही वायर वहाँ पर रखिए, ज़्यादा का वायर ना रखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एलिवेशन लाइट है उसका जो
वायर है उसको और जो हमारे ने ऑलरेडी लगा हुआ था वायर उसको हम क्या करेंगे जॉइंट कर देंगे, यानी दोनों वायर को अच्छी तरह से जॉइंट करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे टेपिंग कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इसको आपको अच्छी तरह से टेपिंग करना है ताकि ये जो हमारा लाइट रहेगा ये आउटडोर में रहेगा लाइट, ठीक है। तो आउटडोर में रहेगा लाइट तो उसको हो सकता है कि हीट की वजह से जो आपकी धूप आती है तो हीट की वजह से वो जॉइंट यानी जो टेप है वो खुल सकती है। तो आप यहाँ पर अच्छी कंपनी का टेप इस्तेमाल कीजिएगा तो वायर को जॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे जो हमारा जॉइंट तो यहाँ पर हो गया है। अगर आपको इस तरह का लाइट आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा जो भी आपको टाइटल दिख रहा है हमारा वीडियो का, जो टाइटल है एलिवेशन लाइट की वीडियो का टाइटल जो आपको नीचे दिख रहा है आपको सिंपली टाइटल पे क्लिक करना है और आप जो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ रहेगा बाय करके, क्योंकि एलिवेशन लाइट बाय करके वहाँ पे लिखा होगा, सिर्फ आपको ब्लू कलर के लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने एलिवेशन लाइट को यहाँ लगा दिया, तो अभी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से दोनों तरफ से यहाँ पे एलियन की लगी हुई होती है, एलियन की के स्क्रू लगे हुए होते हैं यहाँ पे 2 mm, जनरली 2 या 3 mm के एलियन की के स्क्रू होते हैं। जितना बारीक हो सके कंपनी उतना बारीक, जो जितना छोटा हो सके कंपनी उतना छोटा देने की यहाँ पे कोशिश करती है स्क्रू को, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से यहाँ पर स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि लाइट आप ऐसी जगह पर लगाओगे जहाँ पे किसी का हाथ ना लगे। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि हम सीढ़ी पे खड़े होकर यहाँ पर लाइट लगा रहे हैं, सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर किसी भी लोगों का यहाँ पर आसानी से हाथ नहीं पहुँचेंगे जब तक वो कुछ लगाती नहीं है, लैडर नहीं लगाते या सीढ़ी नहीं लगाते या टेबल नहीं लगाते, जब तक उसका हाथ यहाँ पर नहीं पहुँचता। तो आपको भी इसी तरीके से इसे इतने हाइट पर रखना है, कम से कम 7 या 8 फीट की हाइट पर यहाँ पर रखना है आपको लाइट को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि किसी का भी वहाँ पर हाथ नहीं पहुँचेगा तो आपका लाइट चोरी होने का भी डर नहीं यहाँ पर बना रहता, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हिलाकर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे लाइट को ऑन करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट यहाँ पर ऑन होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे कितने फिनिशिंग के साथ ही हमने ये लाइट को यहाँ पर लगा के रख दिया है। तो अभी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हम स्विच ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं ये 4-way जो एलिवेशन लाइट है 4-way का, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हमें और मोटिवेट मिलेगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएं यहाँ पर। अगर आपको इस तरह का लाइट ख़रीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।